देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। देखिए ममता बनर्जी शुद्ध रूप से मैं कह रहा हूँ कि राज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये जो लंका में एक राक्षसी नहीं थी, वो शुद्ध रूप से मान के चलिएगा कि वही उसी का संस्कार है, उसके पास संस्कार है, उसके पास कोई नारी धर्म का कोई संस्कार है ही नहीं। नेता की तो बात छोड़ दीजिए, नारी धर्म का भी उसके पास संस्कार नहीं है। हिंदू और ईसाई धर्म की भी बात छोड़ दीजिए, बंगला धर्म का भी बात छोड़ दीजिए, उसमें इंसानियत भी नहीं है। जो सैकड़ों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले या शरणार्थियों को भी संरक्षण दे रही है, ऐसे नेता को हम राक्षस ही कह सकते हैं, कभी इंसान नहीं कह सकते। किस तरीके की राक्षसी वही मैं जो आप देखे होंगे लंकिनी, मैं तो कहता ही हूँ कि बंगाल की धरती पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो नेता के रूप में कोई है तो लंकिनी जो है ममता बनर्जी। सजा मिल जाएगा अब महाराज, लोकसभा के चुनाव में 13 सीट बीजेपी को आ गया और विधानसभा का चुनाव में लंकिनी का जो है हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। तो लंकिनी जिस तरीके से आप जो ममता बनर्जी को कह रहे हैं वो लगातार सीए का विरोध कर रही हैं, अच्छी सरकार क्या बैकफुट पे है क्या इसको ये बताइए। अब लंकिनी होकर के अपने राक्षसों का जो है समर्थन नहीं करेगी तो क्या देवताओं का समर्थन करेगी? भारत देवताओं की पार्टी है और सपा बसपा और तृणमूल कांग्रेस जो है राक्षसों की पार्टी है। ये राक्षसों माने आतंकवादियों को संरक्षण देने मतलब क्या होगा? राक्षसों का संरक्षण देना, आतंकवादियों को जो है सुविधा देने का मतलब क्या हुआ? राक्षसों को सुविधा देना, आतंकवादियों को जो है ताकत देने का मतलब क्या हुआ? राक्षसों को ताकत देना। तो ऐसी ही महिला है जो राक्षस प्रवृत्ति के आतंकवादियों को संरक्षण देती है, सुरक्षा देती है, साधन देती है, तो उसको हम भी उस राक्षस टोली का एक मुखिया कह सकते हैं, तो वही लंकिनी कह दी। देखिए देश को सोचने का वक्त आ गया, क्या देश टुकड़े टुकड़े के साथ कोई सेलिब्रेटरी खड़ी हो? क्या जो देश आज 370 धारा को एक देश एक कानून कह रहा है, जिस जेएनयू में एक आतंकवादियों का बरखी मने पिछले वर्ष हुआ और वहां पर लोगों ने नारे क्या लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े टुकड़े, और क्या नारे लगाए, कितने अफजल मारोगे घर घर अफजल पैदा होगा। ये साफ जाहिर है, अगर आप सेलिब्रेटरी हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या जहां पाकिस्तान की भाषा बोली जाए, जहां आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हों, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग हों, वहां आपकी उपस्थिति देश को क्या दिशा देगा? ये सेलिब्रेटरी चाहे दीपिका हो चाहे कोई।